सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के कॉलेज के ये बच्चे हैं तमाम, और यहाँ पे इनके खड़े होने का आज मीडिया से बात करने का एक प्रॉपर कंसर्न है। कंसर्न ये है कि इनके कॉलेज प्रीमिसेस में यहाँ पर पीडीडी जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है इनकी जगह पर, और उसको लेकर ये लोग जो है नाराज़गी भी जता रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो कहीं और बनाए। ये तमाम बच्चे हैं अलग अलग, और काफ़ी पुराना ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर, और इसी पे ये लोग हमेशा यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, उसको लेकर बच्चे एडमिशन करके उनकी पढ़ाई भी चलती है। ये जो प्रॉपर पीडीडी ने यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस शुरू किया था, ये कब शुरू किया था यहाँ पर? ये कुछ हफ्ते पहले भी मतलब इसमें स्टेप लिया गया था और यहाँ पे खड्डे वगैरह खोदे गए थे, मतलब विदाउट किसी नोटिस के या कुछ भी, विदाउट इन्फॉर्म किए वहाँ पे। आज भी वो गाड़ियाँ वगैरह आई और यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए कुछ पावर स्टेशन बनाने के लिए। तो ये है कि विदाउट किसी नोटिस के उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, और हम नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं उसको थोड़ा अपडेट करें, हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो हमें नहीं मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल अच्छे क्लासरूम्स, अच्छे वॉशरूम फैसिलिटीज़, उस सब के अलावा मतलब एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट जिसकी यहाँ पर नीड नहीं है। ये हमारा कॉलेज है, हम नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पर बने गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हमारा है रीज़न कि हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाने देंगे। आपको ये नहीं लगता है कि अगर जिस चीज़ों की मतलब अगर आर्ट की जिस सरकार को कदर नहीं है वो किस तरह से गंभीर होगी इन चीज़ों को लेकर? यहाँ से एक चीज़ पोर्ट्रे होती है ना कि वो कितने कंसर्न्ड हैं, अगर इस जगह को वो यूज़ करने में लगे हैं और बाकायदा इस जगह और छोटा करने में लगे हैं तो कितने वो आर्ट और कल्चर को लेकर वो कंसर्न्ड होंगे। हाँ जी, वही हमारा कॉलेज मतलब बहुत निगलेक्ट किया गया है इसको, मतलब किसी को पता भी नहीं होगा कि जम्मू में कोई फाइन आर्ट्स का कॉलेज भी है। तो मतलब हालत भी आप देख सकते हो, बिल्कुल रेनोवेशन की बहुत नीड है इस कॉलेज को, मतलब उस चीज़ के मतलब उस चीज़ को लेकर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। एक्स्ट्रा मतलब जो भी हमें जितनी भी हमें लैंड मिली है उस पर भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ऋतिका है। ऋतिका मुझे ये बताओ, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, कितना पुराना ये है? सर ये काफ़ी पुराना है, पहले हमारा ये कॉलेज पहले किसी और जगह पे कंस्ट्रक्ट था, फिर उसके बाद वहाँ पे जगह की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हमारा कॉलेज शिफ्ट हुआ गया। और अब भी ये मतलब आज हम सुबह सुबह आए तो हमने देखा यहाँ पे कोई काम चल रहा है। हमारा तो यही मेन साइड था कि हमारे कॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी स्पेस के लिए, बट बाद में हमें टीचर्स के थ्रू पता चला कि नहीं, हमारे कॉलेज की कंस्ट्रक्टर नहीं है ये, बाहर से बिजली डिपार्टमेंट वाले या फिर कोई डिपार्टमेंट वाले आके यहाँ पे क्या बोलते हैं बिजली के रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पर टेस्ट के लिए आए। तो उन जब आप लोग वो आए काम शुरू किया तो आप लोगों ने क्या उनको रोका, वो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने अपना भी कुछ तर्क दिया होगा ना कि हम इस वजह से कर रहे हैं, या हमें बोला गया कि प्रॉपर यही लैंड आपको यूज़ करनी है? जी सर, वो तो टीचर्स और जो सीनियर टीचर्स हैं हमारी उनसे उनकी बात उनसे टीचर से हुई थी। तो बाकी ये है कि वन मंथ पहले भी मतलब यहाँ पे खड्डे वगैरह किए गए थे, पहले लेबर लगी थी, देन उसके बाद क्रेन वगैरह आई थी, तो खड्डे वैसे के वैसे ही हैं, वो चले गए थे काम करके। अब उसमें भी हमें प्रॉब्लम आएगी अगर किसी ने बैठना है या कोई चलना भी है, अगर खड्डे इतने नीचे हैं मतलब काफ़ी डीप हैं वो, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाए पहले तो। और यहाँ पर कोई भी जो पहले पार्किंग बनने लगी थी वो भी रिस्की है, क्योंकि ट्रक और बसेस लगेंगी, मतलब काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि स्टूडेंट है, छोटे ही हैं हम, इतने बड़े भी नहीं हैं, गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं। देन उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल बहुत कम एरिया है, वहाँ पे वो ग्रिड स्टेशन बनाने लगे हैं। सर यहाँ पे घर हैं, पीछे देख सकते हो यहाँ पे लोगों के घर हैं, बाहर शॉप्स हैं, मेन रोड है ये तालाब तिल्लो रोड है, पीछे गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद ये जो बिल्कुल थोड़ा सा एरिया यहाँ पे वो कभी कहते हैं पार्किंग बनानी है, और इसकी नॉलेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी नहीं है कि क्यों आ रही है, ना हमें कोई नोटिस है, ना कोर्ट का नोटिस है, ना यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला हुआ है। बस ये आते हैं हर 10 दिन 5 दिन के बाद आते हैं, खड्डे वगैरह खोदना स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं तो वापस चले जाते हैं, फिर 4 दिन के बाद आते हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, इसका प्रॉपर एक नोटिस बनना चाहिए, और जो हमारी बिल्डिंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट अच्छे से किया जाए, रेनोवेट किया जाए। और सर यहाँ पे ना सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए जो फाइन आर्ट्स है बैचलर्स का ही एक ही कॉलेज है पूरे जम्मू में, और सर मास्टर्स के लिए कोई भी बच्चा हो तो उसको बाहर जाना पड़ता है, और
सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसे अपग्रेड नहीं किया गया, तो इसको बिल्डिंग्स बननी चाहिए कि मास्टर्स भी बच्चे का। एक चीज में ये डाउन में है और जब बरसात बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे पानी भी भर जाता है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी सर, यहाँ पे काफी पानी भर जाता है जब बरसात होती है, तो वही सीन है सर कि मतलब यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी नई नीड है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बस इनको यही जगह मिलती है। कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन करनी होती है, फाइन आर्ट्स है ना, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब पहले यहाँ पे जगह घेरी उन्होंने, फिर पीछे घेर ली। इसके अलावा हमने कितनी कंप्लेंट कर ली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इसका, कॉलेज का बढ़ाओ इसको, उसकी कंप्लेंट तो सुनते एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी आप लोगों ने उसकी मांग की है कि कला केंद्र जो इस समय जर्जर हालत में है, अगर कॉलेज वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए तो उसका भी प्रॉपर यूज होगा और वो सेंट्रल लोकेशन पे भी आ जाएगा, अगर मास्टर्स को लेकर भी वहां पर अगर उसको अपग्रेड किया जाता है वो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कभी उसको लेकर आपने कंसर्न रखा अपना कि वो भी तो एग्जीबिशन के लिए बनाया है, तो यहाँ पर कितनी एग्जीबिशन होती हैं, तो बाकायदा अगर इस कॉलेज को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कला केंद्र, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगी। एक्चुअली हम अभी भी कुछ डिपार्टमेंट के ऐसे बच्चे कि वो डिपार्टमेंट के बच्चे और दूसरे डिपार्टमेंट में उनको जाके बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी अपनी स्टडी करने में मुश्किल आती है। सर हमारे पास क्लासेस ही नहीं है, अगर हमारे लिए ऐसा स्टेप लिया जाएगा तो वो हमारे लिए फायदेमंद। इसको लेकर कभी कोई ऐसी, आजकल क्या होता है ना, कंपेन चलानी पड़ती है, जब तक आप कोई कंपेन एक मूवमेंट नहीं चलाओगे तो सरकार जागती नहीं है। आप लोग आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को लेकर कुछ सोचा नहीं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं ना हम वो कर दीजिए वहाँ पे शिफ्ट? सर अभी फिलहाल के लिए हमारे प्रिंसिपल सर जो है उन्होंने एक रिक्वेस्ट जारी की थी यूनिवर्सिटी को, पर उसकी उन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उसके रिलेटेड। अब अगर जहाँ तक हम ये हालत देख रहे हैं अपने कॉलेज की, तो इस तरह से हम कोई स्टेप आगे फ्यूचर में जरूर लेंगे। तो अभी तो फिलहाल मुद्दा ये है कि PDD यहाँ पर अपना एक ग्रिड स्टेशन जो है वो बनाने जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने काम भी जारी किया है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये यही कह रहे हैं कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग देखें ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और इसको लेकर यहाँ पर जो यकीनन ये कह रहे हैं इसको रेनोवेट किया जाए, क्लासेस शॉर्ट है, एक क्लास में दो दो क्लासेस बिठाई जाती हैं। वहीं दूसरी बात, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कला केंद्र का भी है, क्यों ना इस कॉलेज को ही वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इसको लेकर सरकार गंभीरता से सोचे। एक तो आर्ट कल्चर को लेकर जो बच्चे जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता लगेगा कि सरकार उनको लेकर कितनी गंभीर है और इस विषय पर क्या कुछ करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर बकायदा इस ज़मीन को भी अब बाकी कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है, इट मींस कि यहाँ पर सरकार इसको लेकर कंसर्न्ड नहीं है, और शायद इसी वजह से इस कॉलेज की भी ये जर्जर हालत है और छात्र भी यहाँ पर हमेशा परेशानी में रहते हैं। अब PDD डिपार्टमेंट यहाँ पर पोल्स इंस्टॉल करने के लिए और यहाँ पर एक किस्म से ग्रिड स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर आगे किस तरह काम करता है कि बच्चे लगातार अपोज करें कि हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लाइफ का भी सवाल है, कोई यहाँ पर उसके जद में भी आ सकता है। दूसरा, कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर हम क्यों हम अपनी जगह दें? जम्मू से कौशिक पटियाल की रिपोर्ट।